गंभीर जांच की जरूरत है। आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार को लंबे ड्रामे के बाद सीबीआई के शिकंजे में आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अगले चार दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। चिदंबरम को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को 1.5 घंटे से अधिक समय तक सुना। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने चिदंबरम को 4 दिन की हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने जो है जो पुलिस रिमांड मांग रही थी इसको जस्टिफाई करार दिया है, जस्टिफाइड माना है और 26 तक के लिए इनको जो है रिमांड पे भेज दिया है। और इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हर 48 घंटे पे उनकी चेकअप होती रहेगी, मेडिकल चेकअप होगा। इससे पहले सीबीआई ने चिदंबरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश कर उनकी 5 दिनों की हिरासत मांगी। बाद में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अदालत में मौजूद थे। लंबी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आखिरकार सीबीआई को सफलता हाथ लग गई। अदालत ने आदेश दिया है कि चिदंबरम को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे 4 दिनों में सीबीआई क्या जांच करती है और उसके हाथ क्या लगता है। लेकिन अदालत के आदेश के बाद यह तय हो गया कि कद कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं। मेहता ने अदालत से कहा कि चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे हैं और गंभीर अपराध किया गया है। मेहता ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर और बड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि किसी चीज के एवज में फायदा पहुंचाने को उजागर करने के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, उनका दस्तावेजों से आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का भी जिक्र किया जिसमें चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। उन्होंने इसमें की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और ये आरोप पत्र दाखिल करने से पहले का चरण है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें सामग्री की जरूरत है जो चिदंबरम के पास है। उन्होंने दलील दी कि हिरासत में पूछताछ किए जाने से प्रभावी जांच हो पाना संभव होगा। मेहता ने दलील दी कि आरोपी की गंभीर, सक्रिय और ज्ञात भूमिका रही है और धन का लेन देन किया गया है और जांच की जरूरत है। चिदंबरम के वकीलों ने पूछताछ के लिए हिरासत में सौंपे जाने के सीबीआई के अनुरोध का अदालत में इस आधार पर विरोध किया कि चिदंबरम के बेटे कार्ति सहित अन्य सभी आरोपी को मामले में जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के देश से बाहर जाने की आशंका नहीं है। इससे पहले बुधवार रात चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के अधिकारियों की टीम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जोरबाग स्थित चिदंबरम के आवास पर पहुंची। कुछ देर मुख्य दरवाजे खटखटाने के बाद अधिकारियों ने परिसर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। पी चिदंबरम पर नियमों का उल्लंघन कर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की अनुमति दिलवाने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ने नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए 4.6 करोड़ रुपए के बदले 305 करोड़ रुपए का निवेश ले लिया। आयकर विभाग के दखल के बाद आईएनएक्स मीडिया ने चिदंबरम के बेटे कार्ति को मामले की जाँच रफा दफा करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी। सीबीआई का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने एफआईपीबी के आला अफसरों को प्रभावित किया। आईएनएक्स मीडिया के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को बताया था कि कार्ति की कंपनी ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। इंद्राणी मुखर्जी इस मामले में सरकारी गवाह बन चुकी है। पी चिदंबरम उस समय देश के वित्त मंत्री थे और एफआईपीबी उनके अधीन था। सीबीआई ने केस मई 2017 में दर्ज किया जबकि ईडी ने 2018 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया। नीरज सिंह, अजय विक्रम सिंह और अनिल पुनिया के साथ डीडी न्यूज़।